Hey, how's it going everyone? आज सभी का दोबारा से स्वागत है Pokemon Scarlet and Violet में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट एपिसोड में यार हम गए थे बग जिम की ओर, क्योंकि यार हमें जिम बैच जीतना था। पर यार हमें जिम लीडर से बैटल करने से पहले जिम टेस्ट देना पड़ा। उसके बाद यार हमने जिम लीडर कैथी से भी बैटल किया और उसको भी हराया और अपना पहला जिम बैच सिक्योर किया। तो यार अगर आप लोगों ने पिछला गेम प्ले नहीं देखा है तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार आज के इस एपिसोड में हम जाने वाले स्काई टाइटन को हराने। तो यार अगर आप एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स स्टार्ट विद द गेम प्ले मैन। ओके ब्रो, आगे चल लेते हैं यार। यहाँ से सबसे पहले यार मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मार्क किया था यार आगे किधर, तो यहाँ पे किधर तो मैंने स्काई टाइटन का लोकेशन मार्क किया। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे पाथ ऑफ लेजेंड से यहाँ पे मैंने मार्क किया था। तो यहाँ पे आगे जाने से पहले यार यहाँ का पूरा एरिया मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा यार। ये पूरा एरिया मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी यार बहुत सारे आइटम्स मिल सकते हैं सही सही के, और आगे भी यार ये टेरा रेड्स भी बहुत सही के दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ पे यार पोकेमॉन भी सही सही के मिल जाएंगे। पता नहीं यार आगे का लोकेशन में जा पाऊंगा या नहीं साइड का, बट यार यहाँ पे एक पोकेमॉन सेंटर भी दिख रहा है। फ्लाई भी सेट कर लेंगे यार वहाँ पे, और बहुत सही है यार। यहाँ पे भी चलने लेते हैं ब्रो। तो यार यहाँ से चलने लेते, आगे चलने लेते यार, देखने लेते। अभी हम फिलहाल के लिए तो यार साउथ प्रोविंस एरिया 2 में, तो आगे चलने लेते। यहाँ पे भी यार अलग अलग टाइप के पोकेमॉन रहेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो यार रात हो चुकी है, यहाँ पे यार अंधेरा भी हो चुका है। यहाँ पे देखो यार गैसलीज दिख रहे हैं मुझे, तो यार इन्हें पकड़ने लेता हूँ। और यहाँ पे यार ये गैसलीज यार आगे जाके जब गैंगार में इन्वॉल्व होते हैं तो यार बहुत सही का पावरफुल पोकेमॉन हो जाता है यार। एक काम करता हूँ, बाइट यूज़ करता हूँ और देखने लेते ब्रो। बाइट से यार मरना तो नहीं चाहिए यार, देखना पड़ेगा। अबे यार सुपर इफेक्ट, बहुत ही सुपर इफेक्टिव था एक्चुअली, क्योंकि यार गैसली का डिफेंस साइज से कम रहता है बहुत। तो एक काम करता हूँ इस पर यार, देखते यार कौन सा तो छोटा मूव यूज़ करेंगे। तो मेरे पास शायद से मड स्लैब भी है, तो एक काम करते हैं यार मड स्लैब यूज़ करके देखते हैं यार, ये भी सुपर इफेक्टिव है क्या। बट यार ये उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि यार अटैक, अबे सही है यार इसके पास लेविटेट भी है, बहुत सही है। चलो भाई, अरे यार इसने मुझे पैरालाइज भी कर दिया यहाँ पे लिक यूज़ करके। तो एक काम करना पड़ेगा ब्रो, मैं कुछ यूज़ भी नहीं कर पाऊँगा यार, कौन सा मैजिकली भी मर जाएगा। तो एक काम करता हूँ पोकेबॉल डायरेक्टली फेंकने लेते हैं ब्रो, ऐसे ही पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि गैसली थोड़ा कमजोरी रहता है, तो यार पकड़ में आ ही जाएगा, देख लेते हैं ब्रो। चलो भाई पकड़ में भी आ गया, गैसली को भी पकड़ लिया हम लोगों ने, और पोकेडेक्स में भी रजिस्टर हो गया। अच्छी एक्सपी भी मिल गई ब्रो, 18 लेवल का हो गया मेरा स्प्रेगाइटिटो। चलो भाई गैसली को भी रजिस्टर कर लिया पोकेडेक्स में, पार्टी का भी हिस्सा हो गया। चलो यहाँ से चलने लेते यार, तो आगे चलने लेते हैं। क्या हो रहा है ब्रो, अभी स्प्रेगाइटिटो इवॉल्व हो रहा है यार, बहुत सही है। चलो भाई देख लेते कौन सा इसका नेक्स्ट फॉर्म होने वाला है। तो बहुत सही का यार, पावरफुल मूव्स भी होंगे और बहुत सही डिज़ाइन दिख रहा है यार। हमारा स्पीगरिटो इवॉल्व हो गया फ्लोरागिटो में, बहुत सही है फ्लोरागिटो। अबे सही है यार, और इसके पास भी यार तगड़े तगड़े मूव्स भी होंगे, बहुत सही है। आगे बहुत सही सही के मूव्स सीख जाएगा ब्रो, आगे जाके ये होना ही था यार, तो देखना पड़ेगा ब्रो। एक काम करते हैं यार, ये भी यार पैरालाइज हो गया, तो इसको यार मुझे हील करना पड़ेगा। तो पैरालाइज हील इधर ही था ना, ये देखो यहाँ पे ऊपर है, तो पैरालाइज हील यूज़ करते हैं इस पर, और यार पैरालिसिस भी निकाल देते हैं। चलो भाई निकल गया पैरालिसिस। और यहाँ से यार बॉक्स में एक काम करता हूँ, गैसली को भी प्लेस करने लेता हूँ। तो गैसली को भी यार अंदर रखने लेता हूँ ब्रो, तो यहाँ पे यार इसको प्लेस करके यार सेव कर देते हैं। तो यहाँ से निकलने देते ब्रो, आगे भी एक आइटम दिख रहा है, इसको भी उठा लेता हूँ। देखता हूँ यार पोशन मिल गया, वैसे 3 पोशन मिल गए, तो इसके पास यार कौन से पोकेमॉन होंगे देख लेते ब्रो। वैसे यार ये पोकेमॉन बैटल जब भी होते हैं यार, मतलब यार ट्रेनर बैटल जो भी होते हैं, तो यार बहुत सारी एक्सपी मिल जाती है। तो यार वो मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगती है, क्योंकि इससे आपके पोकेमॉन भी स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। फ्लेचलिंग भेजा यार उसने, वैसे यार फ्लेचलिंग बहुत इफेक्टिव होने वाला है मुझ पर। तो एक काम करते यार बाइट यूज़ करता हूँ, क्योंकि यार बाइट यार नॉर्मली भी वैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो अबे सही है यार, क्रिटिकल हिट भी लग गया और फ्लिंच भी हो गया। चलो भाई और एक बार बाइट यूज़ करते हैं और इसका खेल ख़त्म। चलो निकल जा भाई, चलो फ्लेचलिंग भी हार गया, फेंट हो गया, और अच्छी एक्सपी भी मिल जाएगी ब्रो। चलो भाई बहुत से एक्सपी भी मिल गए, और लेवल 12 का हो गया यार हमारा मैजिक अप। मैं वही वेट कर रहा हूँ यार, कब देख रहा हूँ कि कब मैजिक अप यार गैराडोस में बदल जाएगा, क्योंकि गैराडोस बहुत पावरफुल है, और मैं वही देख रहा हूँ। आगे एक टैम्पी भी नज़र आ रही है, एक काम करता हूँ मेरे फ्लोराइड को भेजता हूँ इसकी धुलाई करने, बहुत सही की एक्सपी भी मिल जाएगी। तो ऐसे ही यार मैं एक्सपी जमा करता हूँ और यार बाद में मिलता हूँ। चलो भाई यहाँ पे भी यार बहुत सारे एक्सपी भी जमा कर दिए मैंने, और यहाँ पे चलने देते ब्रो, और यहाँ पे देख लेते। यहाँ पे भी यार बहुत सारे पोकेमॉन अलग अलग टाइप के मिल सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आइटम दिख रहे हैं यार मुझे। तो आगे चलने लेते ब्रो, देख लेते हैं आगे भी क्या मिलता है। आगे भी एक आइटम दिख रहा है, यहाँ पे एक अलग टाइप का पोकेमॉन भी दिख रहा है यार, ग्रेट बॉल मिल गया यार मुझे।
आप ये कौन सा पोकेमॉन है, इसको भी पकड़ने लेता हूँ ब्रो, इसको भी टीम में रखेंगे यार हम लोग, तो एक काम करता हूँ इसको पकड़ने लेता हूँ, देखते हैं ब्रो इसके पास भी आज सीसे के मूव रहेंगे। वैसे ये ग्रास टाइप लग रहा है यार, मेरे पास पहले से ही ग्रास टाइप है, स्किडो है इसका नाम। एक काम करता हूँ बाइट यूज़ करता हूँ यार, देखते यार बाइट से मरना तो नहीं चाहिए, तो देखते हैं ब्रो। अब यार हाफ से ज़्यादा एक्सपी खाली है और फ्लिंच भी कर दिया ऊपर से। एक काम करता हूँ डायरेक्टली पोकेबॉल फेंकने लेता हूँ अभी, तो पकड़ में आ ही जाना चाहिए अभी, देख लेते हैं ब्रो। तो पकड़ रहा है ब्रो, 3 हेड्स, चलो भाई सही है, पोकेमॉन को भी पकड़ लिया, स्किडो को, और रजिस्टर भी हो गया। तो यार मैं इसको अभी फिलहाल के लिए तो अपने टीम में नहीं रखूँगा, और लेवल 19 का हो गया यार मेरा फ्लाराकिटो। बहुत से स्किडो भी आ गया अपने टीम में, बट यार वैसे भी यार ग्रास टाइप है, एक बैकअप के लिए हो जाएगा यार, तो इसको यार बाद में भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो रजिस्टर भी हो गया अपने पोकेडेक्स में। यहाँ पे भी यार एक मैंकी दिख रहा है ब्रो सामने, तो यार एक काम करता हूँ इसको भी पकड़ने लेता हूँ, आगे चलते हैं ब्रो यहाँ पे मैंकी को पकड़ने। अबे यार डायरेक्टली नहीं पकड़ सकता क्या, मिलना ही पड़ेगा, चलो भाई देखते हैं। और मैंने देखा है यार मैंकी का भी एक आगे का एवोल्यूशन आ गया है, बहुत सही क्या एनाहिलेप या कुछ, तो यार वो भी सही का हो जाता है, बहुत सही लुक्स भी है और पावरफुल भी रहेगा यार बहुत। तो इसको यार कम कर देते हैं एक्सपी, और यार इसको पकड़ लेते हैं। फरी स्क्राइब्स यूज़ किया यार इसने मुझ पर, अवॉइड कर दिया, चलो भाई बहुत सही है। और पोकेबॉल फेंकने लेता हूँ और यार इसको पकड़ने लेता हूँ, चलो यार मैंकी को भी पकड़ लिया मैंने, हो गया ना भाई, चलो भाई पकड़ लिया, बहुत सही है, मुझे लगा यार पकड़ में आ ही जाएगा वैसे। चलो यार मैंकी को भी पकड़ लिया और सही की एक्सपी भी मिल गई, सही है, लेवल 13 भी हो गया यार इतने जल्दी मैजिक कप का, बहुत सही है। और यार देखते यार इसको भी रजिस्टर्ड कर लिया पोकेडेक्स में, और यार यहाँ से चलने देते ब्रो, ये वाले भी एनिमेशन बहुत सही का कर दिया यार ये लोग ने पहले से। और यहाँ पे एक काम करते हो यार, बॉक्स में ये दोनों को स्टोर करने लेते हैं, स्किडो को और मैंकी को, स्किडो को भी अंदर रख लेता हूँ यार। अभी यार ये गासली भी अंदर आ गया क्या, एक काम करता हूँ गासली को ऊपर रखने लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे यार मैंकी को भी रख लेते हैं यहाँ पे ऊपर, आगे चलने लेता हूँ यहाँ से यार, देख लेते हैं यहाँ पे भी यार कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा वैसे। चलो भाई एनर्जी रूट मिल गया मुझे कुछ तो, इस ये भी यार यूज़ आ ही जाएगा वैसे। और यहाँ पे यार अलग पोकेमॉन तो नहीं है वैसे, यार हमारा फ्लाराकिटो बहुत धुलाई कर रहा है पोकेमॉन की, उससे यार ईजी एक्सपी भी मिल रही है मुझे, बहुत सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे भी यार कुछ ना कुछ तो आइटम मिल ही जाएंगे, देखने लेते हैं यार। यहाँ पे देखो कुछ तो शाइनी टाइप दिख रहा है, पोशन मिल गया यार, तो देख लेते हैं यार। यहाँ पे भी आगे एक ट्रेनर है, ये बच्चे के पास कौन से पोकेमॉन्स है वैसे, तो देखते हैं यार। एरिया 1 ऑफ वेस्टर्न प्रोविंस, पता नहीं यार कौन सा पोकेमॉन रहने वाला है, निजान द स्टूडेंट, देखते हैं। ये भेज रहा है वेनानोथ को, वेनानोथ यार वैसे पावरफुल तो रहेगा क्योंकि यार बग टाइप है, बग टाइप यार इफेक्टिव रहते हैं वैसे ग्रास टाइप पे। तो एक काम करता हूँ यार बाइट यूज़ करता हूँ, क्योंकि यार बाइट ही है ज़्यादा इफेक्टिव मूव, तो बाइट यूज़ करते हैं यार इस पर, और देखते हैं यार इससे क्या होता है। अरे यार इसको यार हरा तो नहीं पाया यार, उसने डिसेबल यूज़ कर दिया यार, तो और एक बार मुझे बाइट यूज़ करना पड़ेगा, बट यार बाइट यूज़ नहीं कर सकता मैं, तो एक काम करते हैं स्विफ्ट यूज़ करते हैं, तो यार स्विफ्ट भी बहुत सही रहेगी। अभी यार कुछ तो गोल गोल फेंक रहे हैं यार फेराकिटो, बहुत सही है, चलो भाई वेनानोथ। अरे यार वेनानोथ गया नहीं, मुझे लगा यार जाएगा इससे, बट यार और एक बार यूज़ करना ही पड़ेगा। चलो भाई वेनानोथ की भी HP कम कर दी और फेंट भी हो गया, चलो भाई। तो यहाँ पे भी यार और एक आइटम दिख रहा है मुझे, इसे भी यार उठाने लेते हैं, एक्यूरेसी मिल गया यार मुझे, चलो भाई कोई बात नहीं। यहाँ पे भी यार आगे चलने लेते हैं, यहाँ पे भी अलग टाइप का पोकेमॉन दिख रहा है ब्रो, ये फायर टाइप हो सकता है यार, देख रहे थे यार ये कौन सा पोकेमॉन है। वैसे तो मुझे फायर टाइप लग रहा है यार, अगर ये फायर टाइप रहा तो यार मैं इसको रखने वाला अपने टीम में, बहुत सही दिख रहा है यार, चार का टाइप मुझे लगता है यार फायर टाइप ही होने वाला है। देखते यार बाइट यूज करते हैं यार, ये बहुत इफेक्टिव ही होगा शायद से, पता नहीं यार ये मर ना जाए इससे। और यार बहुत कम HP रहेगी यार इससे, क्लियर स्मोक यूज किया इसने, और यार ये फ्लाराकिटो पर यार बहुत इफेक्टिव रहने वाला क्योंकि यार ये फायर टाइप है। तो एक काम करता हूँ पोकेबॉल डायरेक्टली फेंकने देता हूँ, इसको पकड़ने लेते यार, ये रेयर भी होने वाला लगता है यार क्योंकि यार ये एक ही था यहाँ पे। अरे यार पोकेबॉल तोड़ गया इसने, तो फायर स्पिन यूज़ किया यार इससे, यार बहुत इफेक्ट गिरने वाला है मुझ पर, सुपर इफेक्टिव था वैसे, फायरी वोर्टेक्स भी चल रहा है, और यार इससे यार मेरी HP बहुत कम होने वाली है। तो एक काम करते हैं यार ग्रेट बॉल यूज़ करते हैं इस पर, तो ग्रेट बॉल से यार अभी पकड़ में आ ही जाएगा क्योंकि यार ग्रेट बॉल बहुत इफेक्टिव रहता है पकड़ने में, थोड़ा तो मतलब पोकेबॉल से ज़्यादा। अबे यार इसने ये भी तोड़ डाला, तो यार क्या करूँ यार ये इफेक्टिव हो रहा ही नहीं है। अबे यार इसने पूरी बैंड बजा दिया फ्लाराकिटो की, अरे यार फायर वोर्टेक्स ने पूरी HP खा ली, और यार फेंट भी हो गया मेरा फ्लाराकिटो, कोई बात नहीं है। एक काम करते हो यार, मेरे ख्याल से यार चूजनेस पोशमो पोकेमॉन करके यार राल्ड्स को भेजते हैं, क्योंकि यार राल्ड्स के पास है हिप्नोसिस, और हिप्नोसिस से यार ये सोनी वाला है अभी। तो एक काम करता हूँ हिप्नोसिस यूज़ करता हूँ, इसके पास फ्लैश फायर है यार,
फ्लैश फायर को कॉपी कर लिया मेरे राल्ड्स ने। एक काम करते हैं, हिप्नोसिस यूज करते हैं, इसको सुलाते हैं सबसे पहले, क्योंकि हिप्नोसिस से क्या होगा कि ये सो जाएगा और एक इफेक्ट गिर जाएगा। तो यार कभी भी एक इफेक्ट गिरता है तो यार पकड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, वो ज़्यादातर यार स्लीपिंग पोकेमॉन के। तो यार ये सो रहा है अभी, एक काम करता हूँ डायरेक्टली ग्रेट बॉल यूज़ कर देते हैं यार इस पर। तो यार ग्रेट बॉल से यार पकड़ में भी आ जाएगा बहुत सही का। और यार चलो देखते हैं, चलो भाई चार का डेक भी आ गया अपनी टीम में, और यार इसको मैं अपनी टीम में रखने ही वाला हूँ, बहुत सही का। चलो भाई एक्सपी भी मिल गए, लेवल 14 का भी हो गया हमारा राल्ड्स, बहुत सही है। फायर टाइप पोकेमॉन भी आ गया हमारी टीम में, पार्टी में भी आ गया। चलो भाई रजिस्टर्ड भी हो गया अपने पोकेडेक्स में, और यहाँ से चलने लेते हैं ब्रो। चार कार्ड सूत देता है ये आइटम, तो यहाँ चलो भाई एक्सपी कैंडी एक्सेस भी मिल गया मुझे। चलो यार यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे कोई तो ट्रेनर है, तो देखते हैं यार इसके पास कौन से पोकेमॉन है। वैसे यार ये पिलर्स ऑफ लाइट, ओके यार ये इसके पास उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहने वाला है, देखते हैं यार इसके पास कौन सा पोकेमॉन होगा। और वो द स्टूडेंट, तो ये भेज रही है शपेट को। शपेट यार एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन है, घोस्ट टाइप के आगे यार मेरे ख्याल से यार घोस्ट टाइप मूव यूज़ करना चाहिए। देखते हैं यार अपने पास यार एस्टोनिश है वैसे घोस्ट टाइप मूव, तो अगर यार ये साइकिक होता तो बहुत पावरफुल होता, नहीं तो यार डार्क अगर बाइट यूज़ करते तो भी यार पावरफुल होता, बाइट नहीं है इसके पास। एस्टोनिश देखते हैं यार कितना इफेक्टिव होने वाला है, वैसे तो यार सुपर इफेक्टिव है बट यार उतना अटैक पावर ज़्यादा नहीं है इसका। एक काम करता है एम्बर यूज़ कर देता हूँ ब्रो। ओके इसने स्पाइट यूज़ किया है यार एस्टोनिश पे, यार एस्टोनिश की पीपी गिर जाएगी अभी, चार पीपी गिर गई है वैसे। चलो भाई एम्बर यूज़ करते, इसका खेल यार ख़त्म नहीं हो गया बट बर्न हो गया ब्रो, बर्न भी बहुत सही इफेक्ट है। तो चलो यार शफेट बर्न हो गया, मतलब यार इसकी एचपी अभी गिरते जाएगी, बहुत सही है। तो यार और एक बार मुझे एम्बर यूज़ करना पड़ेगा, वरना यार ऐसे तो नहीं जाना वाला, एस्टोनिश यूज़ किया है इसने। तो एक काम करते ब्रो एम्बर यूज़ करते और इसका खेल ख़त्म। चलो भाई शफेट भी फेंड हो गया और हमें एक्सपी भी मिल जाएगी, और देखते हैं यार इसके पास और कौन सा पोकेमॉन है। क्या चलो नहीं है, चलो भाई यहाँ से भी चलने लेते हैं यार, इसके पास एक ही पोकेमॉन था वैसे, $728 में मिल गया, यहाँ से चलने लेते हैं ब्रो। आगे चलते हैं देखते हैं यार और भी कौन से अलग पोकेमॉन मिलते हैं क्या हमें, वरना यार हम एक्सपी इंक्रीज़ करते जाएंगे यहाँ पे पोकेमॉन से फाइट करते। यहाँ पे भी यार देख लेते हैं यार यहाँ पे कुछ अलग टाइप का कुछ मिल सकता है क्या। यहाँ पे यार कुछ दिखा नहीं मुझे वैसे, यार ये पोकेमॉन दिखता नहीं है यार निम्बल। तो देखते हैं यार एम्बर यूज़ करते हैं इसको, यार वैसे एम्बर बहुत इफेक्टिव होगा बट यार इसकी स्पीड फास्ट है, डबल किक यूज़ किया है यार और हाफ जितनी एचपी खाई ली यार इसने। एम्बर यूज़ करते हैं, देखते हैं ये इफेक्टिव रहेगा। वैसे थोड़ी एक्सपी रह गई थी यार, क्रिटिकल हिट रहता तो यार चला ही जाता वैसे। तो यार स्क्रीच यूज़ कर रहे हैं ये मुझ पर, तो देखते हैं अभी क्या होने वाला है। तो डिफेंस तो मेरा गिर गया बट यार कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं यार एम्बर से खेल ख़त्म। चलो भाई यार बीच में ही यार कौन से भी पोकेमॉन मिल जाते हैं वैसे सही नहीं लगता, बट यार ऐसे अगर मैं अटैक करता तो यार सही के एचपी भी मिल जाते दोन। अरे यार ये विलो विस्प सीख रहा है यार, तो एक काम करते हैं विलो विस्प के लिए ना एस्टोनिश को हटा देता हूँ, क्योंकि यार विलो विस्प बहुत स्ट्रांग है, इससे यार गारंटेड बर्न होने के चांस होते हैं। तो यार इसको मैं रखने ही वाला हूँ, एस्टोनिश यार भूल गया वैसे। चलो यार और चलने लेते हैं ब्रो। निम्बल क्लॉ भी सीख गया, अरे यार ये इवॉल्व हो रहा है शायद से यार फ्लेचलिंग, बहुत सही यार। देखते हैं यार किस में रिवॉल्व होता है, बहुत सही दिख रहा है अभी यार, बहुत सही का डिज़ाइन है यार इसका भी। ये फ्लेचलिंग बन गया फ्लेचिंडो में, फ्लेम चार्ज सीख रहा है ब्रो। तो एक काम करते हैं यार फ्लेम चार्ज के लिए यार इसके पास शायद से एम्बर है, तो एम्बर को हटा देते हैं यार, क्योंकि ये फिजिकल टाइप मूव है तो फिजिकल अटैक बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो यार एम्बर हटा देता हूँ इसका। ओके ब्रो यहाँ से चलने लेते हैं यार, आगे भी यार एक ट्रेनर है पोकेमॉन ट्रेनर को देखने लेते हैं ब्रो। यहाँ पे इसके पास भी यार कौन से अच्छे पोकेमॉन ही होंगे। यार ये कौन सा स्टूडेंट है भाई इतना बड़ा, तो आगे से भी एक रॉकरफ जा रहा है हमारे सामने से। तो एलिना स्टूडेंट देखते हैं ब्रो ये कौन सा पोकेमॉन भेजती है। मरीप को भेजा यार इसने, तो मरीप के आगे यार मेरा चार्क्रेड यार उतना स्ट्रांग नहीं होगा शायद से, देखना पड़ेगा वो, बट मुझे विलो विस्ट ट्राई करना है यार। विलो विस्ट का एनिमेशन बहुत सही होने वाला है, तो देखना पड़ेगा ब्रो कैसे दिखता है। वैसे घोस्टली टाइप दिखता है यार, बहुत सही दिखता है वैसे, तो सही है ब्रो। वैसे यार ये 100% बर्न रेट है इसका, तो सही का बर्न भी कर देगा और यार इसकी एचपी गिरती ही रहेगी अभी। तो यार इसने थंडरस्टॉर्म यूज़ किया, पैरालाइज ना हो जाए बट बहुत एचपी खा रहा है यार। एक काम करना पड़ेगा ब्रो, एक काम करता हूँ दूसरा ही पोकेमॉन भेजता हूँ, एक काम करता हूँ फ्लेचिंडर को भेजता हूँ। मुझे फ्लेम चार्ज भी देखना था ब्रो, क्योंकि यार अभी फ्लेचिंडर इवॉल्व हुआ है, तो यार फ्लेम चार्ज एक नया मूव सीखा है उसने, तो देख लेते भाई। अरे यार इसने ग्राउल यूज़ किया, ग्राउल से यार मेरा अटैक पावर भी कम होने वाला है इससे,
तो यार फ्लेम चार्ज फिजिकल अटैक है वैसे, तो इस वजह से यार इसका अटैक वैसे भी कम हो गए, तो देखना पड़ेगा। फ्लेम चार्ज यूज़ करते वैसे भी, देखते यार कैसे दिखता है। ओके एचपी तो सही की खा रहा है यार, और इसका स्पीड भी राइज हो रहा है वैसे। मुझे लगता है ये अटैक जैसे ही करते जाएंगे वैसे स्पीड बढ़ते जाएगा बहुत सही है, तो यार मैं यूज़ करते ही जाने वाला हूँ। अरे यार फिर से उसने ग्राउल यूज़ किया, इससे यार मेरा एचपी जाने ही वाला है, तो वैसे तो बर्न से यार इसका अटैक कुछ चलने वाला तो नहीं है। तो फ्लेम चार्ज यूज़ करते जाते हैं ब्रो, देखना पड़ेगा ब्रो क्या होता है। स्पीड भी राइज हो रहा है सही का। अबे यार ये मरीब का स्टैटिक है एबिलिटी, तो इससे यार फ्लेचिंग द पैरलाइज हो गया। पता नहीं यार इसका स्पीड अभी चलेगा या नहीं, क्योंकि यार मैंने देखा है जितना ज़्यादातर कि आपका अगर पोकेमॉन पैरलाइज हो गया है तो यार अगर आपकी स्पीड फास्ट रही तभी भी आप सेकेंड अटैक करते हो, तो पता नहीं इसमें लागू होगा या नहीं। काम करता फ्लेल यूज़ करता हूँ ब्रो, देखते हैं हो जाएगा। चलो भाई मरीब भी फेंट हो गया, और यार देखते इसका सेकेंड पोकेमॉन आएगा क्या अभी। वहाँ पे यार मैंग की हमारे लिए चीयर कर रहा है वहाँ पे बाहर, बहुत सही है। चलो भाई इसे भी डिफीट कर लिया और यहाँ से चलने देते हैं ब्रो। $840 में मिल गए, यहाँ से आगे चलने देते हैं यार। देखते हैं यहाँ पे भी यार बहुत सारे पोकेमॉन दिख रहे हैं मुझे, बट यार सेम ही पोकेमॉन दिख रहे हैं। आगे भी यार कुछ तो शाइनी दिख रहा है, शायद से टेरा रेड हो सकता है। तो आगे भी यार बहुत सारे मरीब दिख रहे हैं यार यहाँ पे, इतने मरीब है। वैसे यार एचपी बढ़ाने एक्सपी बढ़ाने के लिए यार बहुत सही का फील्ड है। यहाँ पे भी यार पोकेमॉन ट्रेनर है, बाद में यार देख ले लूँगा। यहाँ पे टेरर रेड देख लेते हैं। ओके तो यार शायद से यार ये मर्क्रो हो सकता है, देखना पड़ेगा ब्रो। ये डार्क और फ्लाइंग होता है वैसे, तो मेरे ख्याल से यार मेरा चार्गेटेड एक रॉन्ग चॉइस था ब्रो, तो देखना पड़ेगा ब्रो क्या होने वाला है। बट यार ट्राई करने में क्या चलता है। तो यहाँ पे यार बाकी के भी मेरे टीम मेंबर्स हैं, तो एक काम करता हूँ विलो विप्स यूज़ करके यार इसका अटैक भी कम कर देते हैं। इससे क्या होगा यार इसका अटैक 50% कम हो जाएगा, तो और ये बर्न भी होते रहेगा, इसी एचपी भी गिरती रहेगी। मुझे वो टाइम लिमिट से पहले यार इसको हराना है, तो यार वो तो हो ही जाएगा शायद से, देखना पड़ेगा ब्रो। एम्बर यूज़ करते जाएंगे अभी फिलहाल के लिए। ओके यार एम्बर यूज़, एक काम करता हूँ फायर स्पिन यूज़ करता हूँ इस बारी, तो यार उसको एक फायर वोल्टेक्स में भी घिर जाएगा वो, और उसकी एचपी भी कम होती रहेगी उससे भी। तो चलो भाई करने लेते हैं वो भी। चलो फायर स्पिन भी चला लिया है, अभी फायर वोल्टेक्स में ही फंसा रहेगा, तो देखना पड़ेगा ब्रो अभी क्या कर सकते हैं ब्रो। क्लियर स्मोक जो भी मूव्स यार सब ट्राई करते हैं, देखते हैं ब्रो इससे कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा तो सही है। बट यार अटैक भी सही नहीं जा रहा यार, एचपी तो कम हो रही नहीं है उसकी, तो यार एम्बर यूज़ करना पड़ेगा अभी। देखते हैं एम्बर यूज़ करते जाते हैं ब्रो जितना कम। अबे यार मेरा चार करेक्ट को भी फेंट कर दिया उसने, तो पता नहीं यार देखना पड़ेगा दूसरा पोकेमॉन आएगा क्या। अबे नहीं रिवाइवल होता है लगता है यार, इसमें 5 सेकंड का वेट टाइम रहता है शायद से, या फिर से चार करेक्ट को ही भेजेगा क्या। अरे एचपी भी फुल हो गई इसकी, बहुत सही का मैकेनिक डाला है यार ये लोग ने इसमें, तो यार हेक सही है इसमें। तो यार मर्क्रो के एचपी ऐसी गिर जाएगी यार, इसकी अटैक मूव्स बहुत सही है यार मर्क्रो के। मर्क्रो ने भी एस्टोनिश यूज़ किया, 2 HP रह गई यार। फायर स्पिन यूज़ करते ब्रो, देखते इससे यार कुछ इफेक्ट तो गिर रहा नहीं है वैसे, बढ़िया फायरी वोर्टेक्स की वजह से यार उसको फ़र्क पड़ना ही चाहिए। वैसे ये टेरर रेड्स में बहुत मज़ा भी आता है, बहुत सारे आइटम्स मिल जाते हैं फ्री के, तो उसमें यार बहुत सही का। अगर आपको पोकेमॉन नहीं भी चाहिए तो भी यार आप ऐसे ही अटैक कर लो, फिर भी यार आपको मिल ही जाते हैं आइटम्स। तो यार हमने हरा दिया मर्क्रो को, एक काम करते हैं अभी पकड़ने लेते हैं मर्क्रो को। मैं ग्रेट बॉल तो यूज़ नहीं करूँगा, पोके बॉल से ही यार काम चलाते हैं, तो इसमें भी पकड़ में आ ही जाएगा यार, देखना पड़ेगा। चलो भाई एनिमेशन भी बहुत सही है ये, तो देखते हैं ब्रो कैच होता है या नहीं। कैच तो हो ही जाना चाहिए यार, क्योंकि यार उसकी एचपी पूरी गिर चुकी है, और मैंने जितना देखा है यार कैच हो ही जाता है। और ये 3 सेकंड्स के लिए भी नहीं रुकता है ब्रो, ये देखो 1 सेकंड में ही कॉट, बहुत सही है यार। पता नहीं क्या होता है इसमें, और बहुत सही के रिवॉर्ड्स भी मिल गया हमें। चलो भाई यहाँ से चलने लेते हैं यार, आगे चलते हैं ब्रो। यहाँ पे भी यार वो एक पोकेमॉन ट्रेनर है, उससे भी लड़ना पड़ेगा। और यार मर्क्रो को भी हमने पकड़ लिया है, रजिस्टर्ड हो गया पोकेडेक्स में। अभी यार आगे भी यार बहुत सारे ऐसे टेरर रेड्स मिलेंगे, तो उसमें भी यार बहुत मज़ा आने वाला है, तो यार आगे देख लेते हैं ब्रो। यार उससे पहले यार एक काम करता हूँ यहाँ पे यार, मैं एक काम करता हूँ बॉक्स में यार अपना मर्क्रो जो है उसको यार रखने, तो लेवल 20 का है यार वैसे,
चलो भाई इसको रख ले लेते इसके अंदर, और यार चलो भाई बैटल करने लेते अभी। तो इसने भेजा है गिबल को, वैसे यार गिबल पे फायर अटैक जाएगा भी या नहीं पता नहीं यार, क्योंकि ग्राउंड और ड्रैगन है तो मुझे लगता है जाएगा। तो यार एक काम करता हूँ, मैं अपने फ्लोरागिटो को ही भेज देता हूँ, फ्लोरागिटो बहुत पावरफुल है वैसे तो, इजली यार ग्राउंड टाइप पे यार बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, तो देखना पड़ेगा ब्रो। एक काम करता हूँ ब्रो, ग्रास टाइप ही अटैक स्टार्ट कर देते यार। इसने ड्रैगन ब्रेथ भेजा यार, तो इससे यार उतनी एचपी तो नहीं गई यार, मुझे लगा यार एचपी जाएगी सही की, बट यार नहीं गई। एक काम करता हूँ ब्रो, बाइट नहीं मैजिकल लीफ चलाते इस पर, और यार इससे यार बहुत सही का डैमेज होना। अबे वन हिट किल किया यार गिबल को, बहुत सही है। चलो भाई गिबल भी गया और बहुत सही की एचपी भी मिल जाएगी इससे। चलो भाई चार कैडेट को भी बहुत सही की एचपी मिल गई है, और यहाँ से निकलने लेते हैं ब्रो। कौन सा आंसर भाई, $720 मिल गया ब्रो, यहाँ से चलने लेते हैं ब्रो। आगे भी यार आइटम्स मिलेंगे यार बहुत सही के, देखना पड़ेगा। मेरा डाउन को लेके चलते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे आइटम्स होंगे, और देखो वहाँ पे एक पड़ा हुआ है, तो यहाँ से यार चलने लेता हूँ, देखता हूँ भाई क्या इसमें। वैसे लेमोनेड मिल गया यार, यहाँ पे भी यार कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा वैसे पोकेमॉन ट्रेनर, वरना यार पोकेमॉन ही मिल जाएंगे। देखते हैं ब्रो, यहाँ पे भी यार वो पुरानी पोकेमॉन दिख रहे हैं ब्रो, यहाँ पे भी आइटम है यार। देखते हैं ग्रेट बॉल मिल गया, अभी यार यहाँ पे चार कैडेट है, पकड़ ले लेते हो ब्रो, इसको भी रख लेते हैं। वैसे यार चार कैडेट वैसे रेयर रहते हैं, तो मिल गए तो यार पकड़ नहीं लेते, क्योंकि यार चार कैडेट को मैं छोड़ूंगा नहीं वैसे यार, अपने टीम में तो नहीं बट यार अपने बॉक्स में तो रख ही लेंगे। तो एक काम करते हैं ब्रो, इसको कौन सा अटैक डालूँ यार, सभी तो वही है। देखा मैं डायरेक्ट पकड़ने लेता हूँ इसको, तो यार अटैक करके वेस्ट तो नहीं करेंगे, तो यार पकड़ में आ ही जाना चाहिए, देखना पड़ेगा। अब ये सही है यार, पहली बॉल में पकड़ में आ गया, इसे 13 लेवल का था, तो सही है ब्रो। एक्सपी भी मिल गई सही की, और यार आइटम भी मिल जाएगा मुझे, चार कैरेट सूट मिल गया, इसको रख लेते ब्रो। और यहाँ पे एक काम करता हूँ, बॉक्स में इसको यार रखने लेता हूँ अंदर, इसको अंदर रखने लेते हैं, और बाद में अगर चाहिए होगा तो यार एक्सचेंज कर लेंगे, वरना यार बैकअप के लिए रख ही देंगे। चलो भाई यहाँ पे भी यार अंधेरा हो गया है, यहाँ पे भी यार बहुत सारे पोकेमॉन दिख रहे हैं, तो यार एक्सपी बढ़ाने लेते हैं यार, मेरे चार क्रेडिट की एक्सपी ऐसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि यार ग्रास टाइप बहुत पोकेमॉन दिख रहे हैं मुझे, और यार मुझे आगे भी यार एक रॉक टाइप का पोकेमॉन दिख रहा है ब्रो, तो उसे भी मैं पकड़ने लूँगा, क्योंकि यार हम जाने वाले यार स्काई टाइटन से लड़ने, और स्काई के हिसाब से यार मुझे लग रहा है कि वो बर्ड टाइप कोई तो यार फ्लाइंग टाइप ही पोकेमॉन होने वाला है, तो वो भी देखना पड़ेगा ब्रो। तो इसको भी यार एक बैकअप के लिए रख ही लेते हैं अपने टीम में। तो एक काम करता हूँ ब्रो, अपने पोकेमॉन को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे यार फ्लोरागिटो को एक काम करता हूँ ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, तो इसका चेंज पोजीशन करना पड़ेगा ऊपर से। चलो भाई यहाँ पे यार इससे भिड़ने लेते हैं, देखते हैं यार कौन सा पोकेमॉन है, वैसे नया ही पोकेमॉन दिख रहा है ब्रो मुझे, तो इसका नाम है नकली बस सही नाम है यार नकली, तो यार इसको रखने लेते हैं, इसको बाइट से यार इसकी एचपी जाएगी क्या वैसे, अभी यार हाफ से ज़्यादा एचपी खाई यार। तो एक काम करता हूँ पोकेबॉल फेंकने लेता हूँ, अभी स्पीड भी कम हो गई है मेरी, बट यार फ़र्क नहीं पड़ता उससे, तो पकड़ने लेते हैं ब्रो, 13 लेवल का है वैसे। अबे यार टूट गया यार पोकेबॉल, तो एक काम करते हैं इसको यार कौन सा नॉर्मल मूव यूज़ करना पड़ेगा, तो शायद से रॉक टाइप है तो यार इसको नॉर्मल मूव से उतने इफेक्टिव रहेंगे नहीं, तो यार स्विफ्ट चलाते इस पर, तो यार शायद से इसको अटैक नहीं लगना चाहिए, बट यार बच गया यार, थोड़े ही एचपी रह गया इसका, रॉक पॉलिश यूज़ किया यार इसने। तो एक काम करता हूँ फिर से यार पोकेबॉल फेंकने लेते हैं, इस टाइम यार पकड़ में आ ही जाना चाहिए, देखना पड़ेगा ब्रो। तो एक काम करता एक्स दबा के या तो पोकेबॉल फेंकने लेते हैं ब्रो, अब पकड़ में नहीं आएगा तो यार कौन सा मूव चलाओ। चलो भाई पकड़ में आ गया, बहुत सही है, वरना यार और एक मूव तो मैं चला नहीं पाता, क्योंकि यार वो मर ही जाता वैसे, तो ग्रेट बॉल ही यूज़ करना पड़ता फिर। तो यहाँ से चलने लेते ब्रो, नकली भी अपना पोकेडेक्स में रजिस्टर्ड हो गया और अपने टीम का भी हिस्सा हो गया ब्रो। चलो भाई 6 पोकेमॉन्स हो गए यार अभी फिलहाल के लिए मेरे टीम में, तो यहाँ से चलने लेते यार, देखने यहाँ पे भी यार बहुत सारे पोकेमॉन दिख रहे हैं मुझे वैसे, तो एक काम करता हूँ इसको नीचे रख लेता हूँ, अपने चार कैडेट को ऊपर रख के यार यहाँ पे एक्सपी बढ़ाने लेते हैं ब्रो। चलो भाई ऐसी एक्सपी बढ़ती जाएगी यार, तो यहाँ पे यार ट्रेन करने लेते हैं अपने चार कैडेट को पूरी तरह से, सही का ट्रेन कर देंगे ब्रो। यहाँ पे भी बहुत सारे बग टाइप पोकेमॉन और एक ग्रास टाइप पोकेमॉन ही दिख रहे हैं ब्रो मुझे, यहाँ पे यार बच के रहना पड़ेगा। चलो भाई यहाँ पे यार और एक पोकेमॉन सेंटर दिख रहा है ब्रो, यहाँ पे ऊपर चलने लेते हैं यार, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो आइटम दिख रहा ही है मुझे, तो चलने लेते हैं। यहाँ पे कौन कॉल कर रहा है यार, शायद से अरविन, अरविन है
ओके ओपन स्काई टाइटन के बारे में बता रहा है, तो शायद से यार ये यही कह रहा है कि यार वो टाइटन कुछ तो बोल्डर्स फेंक रहा है, तो मुझे यार ध्यान से ऊपर चढ़ना पड़ेगा वरना यार मैं नीचे भी गिर सकता हूँ। बट यार हमारे पास मेराडोन है तो यार डरने की ज़रूरत नहीं है वैसे, तो यार चलने देते ब्रो आगे देख लेते। यहाँ पे भी यार बहुत सारे आइटम्स मिल सकते हैं मुझे, तो प्रिटी फेदर भी मिल गया मुझे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी अलग टाइप के पोकेमॉन है क्या? नहीं यार वही सेम पोकेमॉन दिख रहे हैं मुझे, मिस्ट्रीवियस दिख रही है यार यहाँ पे यार और एक पोकेबॉल दिख रहा है, देखते हैं यार इसमें क्या हो सकता है। ग्रेट बॉल मिल गया यार, चलो यार यहाँ से चलने देते हैं। अपने पोकेमॉन को भी हील करना है स्काई टाइटन से लड़ने से पहले, तो यार यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर तो बहुत सही है। यहाँ पे यार मैं फ्लाई करके भी आ सकता हूँ कभी भी, तो वो भी एक सही टेक्निक है। यहाँ पे यार बहुत सही सही के पोकेमॉन हो गया हमारे टीम में, और यार मैं यही देख रहा हूँ यार कब हमारा गैराडॉन बन जाएगा। यार मैजिक आप को मैं एक बार भी यूज़ नहीं किया है वैसे, तो यहाँ से चलने लेता हूँ यार, देखते हैं यहाँ पे भी यार क्या क्या मिल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी तगड़े तगड़े पोकेमॉन दिख रहे हैं ब्रो। एक काम करते हैं यार यहाँ पे भी ना अपने फ्लोरागिटो को मैं एक काम करता हूँ, इस ये ना एक मूव रिमेंबर कर सकता है पिछले, क्योंकि यार मैंने देखा है इसका लेवल बढ़ गया, बट यार एक मूव इसने सीखा नहीं है, सीड बॉम्ब। तो यार ये देखो सीड बॉम्ब यहाँ पे है, तो यार इसको यार ये मूव सिखाने लेते हैं, और यार कौन सा तो एक मूव मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ मैजिकल लीफ रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि यार मैजिकल लीफ जो है वो स्पेशल अटैक पे बेस रहता है, और जो अपना सीड बॉम्ब है वो अटैक पर बेस रहता है, तो ये सही है ब्रो। तो यहाँ से चलने देते भाई, यहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। चलो भाई यहाँ पे यार एनर्जी रूट भी मिल गया मुझे, आगे चलने देते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे आइटम्स भी दिख रहे हैं, तो देख लेते हैं यार। यहाँ पे भी यार कोई तो पिकनिक कर रहा है वैसे, बाद में जाके देखेंगे। यहाँ पे और एक पोकेमॉन ट्रेनर है, देखने दो ब्रो इसके पास कौन सा पोकेमॉन होने वाला है। वैसे यार जितना भी पोकेमॉन बैटल मिलेंगे आपको तो यार छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यार इसी आपके पोकेमॉन की हेल्थ बढ़ती जाएगी, हेल्थ देने से आपका पोकेमॉन का पावर बढ़ते जाएगा। तो यार देखने देते, ये भी पिनको को भेजा है, पिनको से यार मुझे बच के रहना पड़ेगा, इसके पास सेल्फ डिस्ट्रक्ट की एबिलिटी रहती है वैसे। तो एक काम करता हूँ बाइट यूज़ करता हूँ इस पर, बाइट से यार फ़र्क पड़ना चाहिए। तो देखने देते यार, वैसे यार मेरा फ्लोरागिटो जो है वो यार बग टाइप पे सुपर इफेक्टिव है, देखो उसके अटैक्स यार बहुत जोर के लगेंगे, तो यार बाइट से काम तमाम होना चाहिए। चलो भाई पिन को भी गया इसका, और देखते ब्रो अभी ये किसको भेजता है। और एक पोकेमॉन है क्या भाई तेरे पास? मैच का अभी यार 18 लेवल में बढ़ने ही वाला है, थोड़ी एक्सपी रह गई है, तो इसने भेजा अभी निम्बल को भेजा भाई। निम्बल यार इजीली जाएगा बाइट से, तो एक काम कर सीड बॉम्ब तो नहीं भेजेंगे यार, क्योंकि सीड बॉम्ब तो उस पर इफेक्टिव नहीं रहेगा उतना। अबे बाइट में एक हिट में किल हो गया ब्रो, तो सही है ब्रो। चलो भाई अच्छी एक्सपी भी मिल जाएगी अभी। और एक पोकेमॉन है क्या भाई तेरे पास? नहीं है शायद से, तो देख रहा हूँ तालियां हो जा रहे हैं वहाँ पे हमारे लिए। 1080 डॉलर्स मिल गया यार, बहुत सही है। चलो भाई यहाँ पे पानी में नहीं गिरना है, तो यहाँ पे सामने जाने से पहले यार यहाँ पे भी कुछ तो एक विंडमिल टाइप दिख रहा था ब्रो, इसमें चलने लेते यार, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो हो सकता है, पीछे रॉकरफ्स है यार, तो ट्रेनिंग करने में भी काम आ जाएंगे। यहाँ पे मुझे ध्यान से चढ़ना पड़ेगा यार, गिर भी सकता हूँ नीचे, तो यार ध्यान से ऊपर चलने लेते हैं। यहाँ पे भी यार अबे यार यहाँ पे बोल्डर्स दिख रहे हैं ब्रो, सामने से देख लेता हूँ यार, आगे चलते हैं। यहाँ पे दिख सकता है मुझे, यहाँ पे मुझे यार वो कॉइन टाइप पोकेमॉन की भी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे देखो ये बोल्डर्स गिर रहे हैं, तो यहाँ पे वो स्काई टाइटन हो सकता है ऊपर के इधर, तो हो सकता है यार देखने लेते हैं। ये देखो यहाँ पे है वो स्काई टाइटन, कुछ तो बर्ड टाइप पोकेमॉन है यार। अच्छा हुआ मैंने वो रॉक टाइप पोकेमॉन नैकली को पकड़ा, देखना पड़ेगा ब्रो यहाँ पे भी ऊपर कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे एक आइटम पड़ा है वैसे, तो देखते हैं ब्रो इसमें क्या है। रेयर कैंडी मिल गई यार, यहाँ से उड़ने लेता हूँ ब्रो। यहाँ पे डायरेक्टली यार हमें हमारा रॉटम फोन तो यार बहुत सही है, बचा ही लेगा वैसे। चलो भाई यहाँ पे एक काम करता हूँ फ्लोरागिटो को बेच के यार एक्सपी बढ़ाने लेते हैं, इनकी धुलाई कर देते हैं वैसे, इजीली यार एक्सपी मिल जाती है वैसे। चलो भाई 18 लेवल क्या हो गया हमारा फ्लोरागिटो, और फ्लोरागिटो बोल रहा अपना मैजिक अप। और यार यहाँ पे यार ये पिकनिक वाले के साथ देखते हैं ब्रो बात करके, ये हील ही कर देगा शायद से मुझे, तो देखना पड़ेगा ब्रो। सैंडविच की इक्विपमेंट्स दे रहा है ब्रो मुझे, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स दे दिए इसने, तो इससे यार मील पावर भी बढ़ जाएगी, और सही है ब्रो हील भी कर देगा हमारे पोकेमॉन को। तो चलो भाई इसने बहुत सारे आइटम्स दे दिए यार, बहुत सही सही के, थैंक यू अंकल। तो चलो भाई यहाँ से चलने लेते हैं। जाने से पहले यार मैं एक काम करता हूँ, ये नकली को यार ऊपर डाल देता हूँ, क्योंकि यार उसके जो भी स्काई टाइटन है उसके साथ फाइट करने में मुझे यार फ्लोरागिटो को नहीं भेजना है, क्योंकि फ्लोरागिटो ईजिली मार खाएगा, तो नकली को भेज के यार बहुत ईजी की लड़ाई भी हो जाएगी बहुत सही की। चलो भाई यहाँ पे यार बोल्डर्स से बच के जाना पड़ेगा मुझे, बहुत सारे पत्थर लगाए हैं यार यहाँ पे, तो ध्यान से चलने लेते ब्रो। यहाँ पे यार ऊपर से गिर ना जाए सर पे,
तो हमारे पास मिराडोन है यार। वैसे मिराडोन यार उतनी जल्दी तो यार गिरने वाला तो नहीं है, और बहुत ही स्ट्रांग है, लेजेंडरी पोकेमॉन है यार वैसे तो। यहाँ पे यार ध्यान से यार बोल्डर्स गिरने वाले यार सर पे, तो ध्यान से चलने रहते यार ऊपर। तो यहाँ से यार मुझे बच के जाना पड़ेगा। चलो भाई डेस्टिनेशन, अबे यार सर पे ही गिर गया देखो, इसके लिए मैं कह रहा था यार ध्यान से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यार ऊपर रखने लेते हैं, देखते हैं ब्रो। यहाँ पे शायद से स्काई टाइटन आ रहा है अभी, अबे यार ऊपर से आ रहा है शायद से। ये देखो स्काई टाइटन आ गया। ये कौन सा अलग टाइप का पोकेमॉन है यार, मुंह पे चादर लेके घूम रहा है। देख लेते ब्रो, लड़ाई करते चालू। स्टॉक कुछ तो है उसका नाम शायद से, अबे बॉम्बर डियर नाम है इसका। तो चलो भाई विंग अटैक्स से स्टार्ट किया, वैसे मुझ पर इफेक्टिव नहीं है, बट यार मेरा लेवल बहुत कम है तो यार इस पर मैं रॉक टाइप हमला ही यूज़ करते जाऊँगा। वैसे तो स्मैकडाउन ही यूज़ करते जाते हैं ब्रो, देखते हैं। अबे यार इसने HP भी खा ली वैसे, तो और एक बार यूज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं ब्रो, इस पर ना सुपर पोशन चला लेता हूँ। सुपर पोशन है मेरे पास बहुत सारे, तो यार सुपर पोशन से यार इसकी HP बढ़ा देते हैं, और यार फिर से लड़ाई करना चालू कर देते हैं ब्रो, देखना पड़ेगा। और यार मेरे पास नकली नहीं यार, बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, तो यार इजीली इसको डिफीट कर देंगे ब्रो। तो यार ये भी यार इजीली डिफीट हो जाएगा। तो यार एक काम करता हूँ, फिर से यार स्मैकडाउन यूज़ करने लेता हूँ, देखते हैं ब्रो क्या होने वाला है। प्लक यूज़ किया यार, प्लक मेरे ख्याल से यार एक बग टाइप मूव रहता है शायद से, मुझे उतना पता नहीं है। तो यार फिर से एक बार, नहीं तो यार मुझे लगता है ये फ्लाइंग टाइप मूव रहेगा शायद से। तो यार स्मैकडाउन फिर से यूज़ करते यार। अबे बहुत सही की HP खाली यार उसके, अबे भाग गया वो, पता नहीं किधर जा रहा है, वैसे अंदर इधर छुपने जा रहा होगा शायद से। अरविन भी यार दिख रहा नहीं है मुझे, मैंने सुना अरविन भी आते हैं हमें हेल्प करने के लिए, तो यार देखना पड़ेगा आगे जाके। अबे यार ये कुछ तो खा रहा है, यही है लगता है मुझे वो हर्बा मिस्टिकल जो अरविन बात कर रहा था। देखो अरविन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे शायद से हमें हेल्प कर देगा हराने में टाइटन को। तो देखने लेते ब्रो क्या होने वाला है अभी। तो इसकी पावर तो अभी बढ़ ही जाएगी इससे, तो देख लेते ब्रो सुपर इफेक्टिव होने वाला है शायद से, पता नहीं क्या होने वाला है। पता नहीं यार टेरा रेड में भी यार बदल सकता है, ये टेरा पोकेमॉन भी बन सकता है, वही देखना पड़ेगा। अब यार बहुत स्ट्रांग हो गया यार, और यार मैंने नकली की HP भी बहुत कम है। तो यार एक काम करता हूँ, सबसे पहले यार सुपर पोशन चला लेते हैं इस पर, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता इसकी HP कम हो जाए। अगर HP कम भी हो गए, अगर यार ये फेंट भी हो गया, तो भी यार मेरे पास बहुत सारे रिवाइव पड़े हैं वैसे। तो यार रिवाइव से यार जल्दी जल्दी इसको ला के यार हरा ही देंगे वैसे, तो कोई बात नहीं है वैसे। तो चलो भाई नकली की भी HP बढ़ गई है, और यार इसने टॉर्मेंट यूज़ किया, तो शायद से यार टॉर्मेंट का ही रहता है कि मैं अटैक में ही यूज़ कर सकता, ऐसे ही कुछ रहता है। तो यार चलने लेते हैं ब्रो, देखते एक काम करता फिर से यार स्मैकडाउन यूज़ करते ही जाता हूँ मैं, देखते ब्रो क्या होता है। वैसे यार इसके मुँह इफेक्टिव तो होने वाला नहीं है, और जो अरविन के पास भी नकली है वो भी यार सेम टाइप की मुंह चलाते रहेगा, तो यार रॉक टाइप बहुत ही इफेक्टिव होने वाले ये लोग पे। तो सही है ब्रो, चलो भाई और एक बार अटैक करने लेते हैं, देखते हैं यार क्या होने वाला है। स्मैकडाउन फिर से चलाने तो नहीं चला सकता शायद से, तो एक काम करता हूँ ब्रो टेरेस्टलाइज करके तो चला सकता हूँ क्या। अभी यार फिर से वही यार टॉर्मेंट की वजह से यार मैं चला नहीं सकता, तो ये हेडबर्ट यूज़ करते ब्रो, देखते यार हेडबर्ट से HP कितनी जाती है। अभी नकली ने उसके रॉक थ्रो यूज़ किया, चलो भाई बहुत कम हो गई उसकी HP, हेडबर्ट से यार जाना ही चाहिए, नहीं यार थोड़ी HP रह जाती है। तो यार एक काम करता फिर से यार स्मैकडाउन चलाने लेता ब्रो, अब भी तो यार इजीली चला जाएगा, देखना पड़ेगा। प्लक यूज़ किया यार उसने, थोड़ी HP रह गई है, बट यार हाँ देखो भाई ओपन स्काई टाइटन यार चला गया, अभी हार गया। चलो भाई फेंट भी हो गया, और अभी बहुत सही की HP मिल जाएगी यार मुझे, क्योंकि यार ये बहुत बड़ा पोकेमॉन था, एक टाइप का अचीवमेंट ही हो गया यार। टाइटन बॉम्बार्डियर को हरा दिया हम लोग ने, बहुत सही का, और बहुत सही सही की HP मिल गया यार। और हमारा चार कलर 20 लेवल का भी हो गया यार, तो नाइट शेड सीख रहा है शायद से, देखना पड़ेगा ब्रो कौन सा तो मुंह हटाएंगे। एक काम करता हूँ क्लियर स्मोक हटा दूँ क्या, फायर स्पिन हटा दूँ, एम्बर हटा दूँ क्या, एक काम करता ब्रो एम्बर ही हटा देता, क्योंकि यार बाद में मुझे बहुत सही सही के मूव्स मिल जाएंगे, तो वैसे यार करने लेते हैं। तो देखने लेते ब्रो अभी क्या होता है इसके आगे का। तो शायद से अरविन हमें वो हरवा मिस्ट्री का देने वाला है या खुद लेने वाला है यार, मैं पकड़ भी नहीं पाया यार उसको, क्योंकि यार कैच का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, पोकेबॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो अभी देखना पड़ेगा ब्रो क्या अंदर ही लेके जा रहा है वैसे, शायद से हरवा मिस्ट्री का हमें अंदर ही मिल सकती है केव के अंदर, तो देखने लेते हैं। वॉच योर स्टेप्स इज प्रीटी डार्क,
तो यहाँ पे अंदर होगा शायद से. नो वे, कुछ तो दिखा शायद से अरविंद को. अब यार ये तो ग्रीन ग्रीन कलर का वो पिछले केव के जैसे ही है यार, तो वहां पे भी यार हमें कुछ ना कुछ तो अरबा मिस्ट्री का मिल सकता है क्या? पता नहीं यार, वहां पे कुंसलो टाइटन तो लोकेशन में नहीं आ रहा था, तो पता नहीं. अरविंद ने तो पकड़ लिया है. और ये बिटर है वैसे, इसका फ्लेवर भी बता देता है शायद से यार, तो बहुत सही है यार. वैसे बुक में लिख ले रहा है शायद से. ओके, ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, ब्लड फ्लोइंग के लिए अच्छा है, वैसे इम्यून सिस्टम बूस्ट कर देता है, ये सब डिटेल में बता रहा है. तो मेरे ख्याल से ये अभी सैंडविच बना के देने वाला है हमें, तो वही देखना पड़ेगा. वो हमें ये खाने देने वाला है, तो यार उसी की तैयारी करने वाला है, तो यही देखना पड़ेगा. तो देख लेते हैं ब्रो, ये अभी कुकिंग करने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो बना के देगा. हमें लगता है सैंडविच बना के देगा अभी, तो शायद से बना के दे दिया है. अरविंद ओरिजिनल सैंडविच पैक विद फुल ऑफ हर्ब्स. चलो भाई, टाइटन पोकेमोन की वजह से हमें एक सैंडविच भी मिली बहुत सही का. और ये टाइटन बैच भी दे रहा है यार, जिम बैच के जैसे ही, एक टोकन की तरह हमने डिफीट किया इसलिए, तो बहुत सही है ब्रो. मैं तो सोच रहा था यार टाइटन पोकेमोन को डिफीट करना थोड़ा मुश्किल रहता, बट यार उतना यार हार्ड भी नहीं था, इसीलिए यार डिफीट भी कर लिया, बहुत सही का. चलो भाई, अब भी यार हमारा मेराडोन भी बाहर आ गया हम लोग खाते वक्त, तो शायद से यार उसको ये सैंडविच चाहिए, तो देने लेते हैं ब्रो. क्योंकि यार मुझे मेराडोन को खाते वक्त देखने में बहुत मज़ा आता है, तो बहुत सही का भी दिखता है वैसे. तो अरविंद तो उसके खिलाफ है, तो यार एक काम करता, देने लेता ब्रो. या यू गो. चलो भाई देखते हैं वैसे कैसे खाता है, बहुत सही दिखता है यार. अरविंद को यार इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है थोड़ा सा भी. ओके, तो अरविंद ने हमें एक स्मॉल बाइट भी दे दिया यार उसके सैंडविच का. तो ये बुकर ने यार पूरा खा लिया. अबे इसको कुछ तो एबिलिटी आ गई है लगता है यार. ओ तो मेराडोन अभी पानी में भी जा सकते हैं, बहुत सही की एबिलिटी है यार. मुझे लगता है ये सर्फ वैसे ही सीख जाता है, तो यार बहुत सही है यार. तो अभी ये पानी में भी जा सकते हैं हम लोग. और पानी से यार मुझे याद आया, बहुत सारे जगह पे यार बहुत सारे आइटम्स थे जो यार एक्सेसिबल नहीं थे, क्योंकि यार पानी था वहाँ पे. तो यार वहाँ पे भी जा सकता हूँ मैं, वहीं पे भी यार जाने लेंगे यार बाद में. तो अभी फ़िलहाल के लिए यार देख लेते हैं क्या होने वाला है. तो यार इसके लेजेंडरी सैंडविचेस यार बहुत सही है, बहुत सारे अच्छे एबिलिटीज आ जाते हैं यार पोकेमोन में. तो पता नहीं यार ये शायद से यार मेराडोन स्पेसिफिक ही होगा, वही यार वैसे ही कुछ होने वाला है. तो हर्बा मिस्टिका के बारे में बता रहा है ये, आगे भी यार बहुत सारा हर्बा मिस्टिका रहने वाला है, तो यार वो भी यार पकड़ने लेंगे आगे के भी यार. स्काई टाइटन्स मतलब टाइटन पोकेमोन को यार डिफीट करने लेंगे. मेरा टारगेट वही होने वाला है यार आगे का, जो हमने पहले मिस किया था, जो टाइटन पोकेमोन ईस्ट में जाना था शायद से, तो यार वहाँ पे जाने लेंगे बाद में. तो अभी फ़िलहाल के लिए यार ये कुछ तो कर रहा था, पता नहीं यार ये अरविंद का भी यार कुछ तो सीक्रेट है, तो पता नहीं यार वो बाद में हमें पता चल ही जाएगा. वैसे यहाँ पे भी कोई तो कोई फ़ोन कर रहा है. ओके, प्रोफेसर टूरो है ये, तो ये हमें मेराडोन के पावर के बारे में बता रहे हैं, जो हमने नया एबिलिटी सीखा है उसके बारे में, तो ये बता रहा है. अभी शायद से यार मैं बी दबा के पानी पे जंप भी कर सकता हूँ यार, बहुत सही है. ओके, तो हमें पैल्डिया रीजन में पूरा एक्सप्लोर करने को कह रहा है, तो ये यार मैप में किधर भी जा सकते हैं हम लोग. और यार जहाँ पे भी जाएंगे तो यार पूरा ये एक्सपीरियंस बहुत सही का होने वाला है, तो वही यार. हाँ यार, हम लोग मेराडोन का भी अच्छा से ख्याल रखेंगे. और यहाँ से चलने लेते ब्रो, मुझे एबिलिटी देखनी है मेराडोन की कैसे रहने वाली है. तो यहाँ से यार नीचे चलने लेते, मुझे वो एबिलिटी देखनी है मेराडोन की. यहाँ से जंप करना पड़ेगा क्या मुझे? अबे यार यहाँ पे यार पोकेमॉन्स है, तो यहाँ पे यार नीचे जंप कर लेते, बहुत सही है. चलो भाई हम लोग देखो तैर भी सकते हैं, बहुत सही का, बहुत सही है यार. तो यार आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. गाइस ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये पोकेमॉन स्कारलेट एंड वायलेट की सीरीज कैसे लग रही है. तो यार जल्दी मिलेंगे यार नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय.